Hello everyone, this is Meera Saroj and welcome to The August. I have a sweet tooth और हर वो इंसान जिसको मीठा पसंद हो वो फलूदे को ना कभी नहीं कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं फलूदा। पहले हमें करीबन आधे घंटे के लिए सब्जा बिया को भिगो के रख देना है, इससे वो पूरी तरह से फूल जाएंगे और फिर हम इसका फलूदे में अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आई ऑलवेज बिलीव्ड कि सब्जा बिया और सेब फलूदे की पहचान होते हैं। तो जैसे कि हमने शेव की बात करी ली है, तो चलिए तैयार करते हैं अपने फलूदे के लिए शेक। तो सबसे पहले हमें उसे बॉईल करना है ताकि वो अच्छे से फूल जाए और फिर हम उसका इस्तेमाल अपने फलूदे में कर सकते हैं। तो ये मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए और ये मैं बाहर से शेव लेकर आई थी। अब मैंने इसमें डाल दिए है और मैं इसको करीबन 15-20 मिनट के लिए अच्छी तरीके से बॉईल होने दूंगी ताकि वो अच्छे से मोटे हो जाए। इस बीच में उसे हिलाती भी रहूंगी ताकि जो शेव है वो नीचे वाली सतह पर चिपक ना जाए, क्योंकि अक्सर होता है कि जब हम सेब को बॉईल करने लगते हैं तो जो सेब होती है वो नीचे वाली सतह पे चिपक जाती है। तो प्लीज़ अवॉइड दैट। नाउ इट्स टाइम फॉर आर लिक्विड, आर स्वीट लिक्विड दैट वी आर गोना यूज इन फलूदा। तो इसके लिए हमने लिया है दूध। ये जो हम दूध बनाते हैं ना, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। लाइक ये थोड़ा थोड़ा है ना मसाले दूध की तरह थोड़ा सा टेस्ट करता है। मैं ना इस दूध को थोड़ा केसर और पिस्ते का टेस्ट देना चाहती थी, इसलिए मैंने सबसे पहले इसमें केसर और पिस्ता डाला है ताकि ये अच्छी तरीके से दूध में मिक्स हो जाए, उसका जो एसेंस होता है, जो एक बहुत सुंदर सा कलर होता है, वो इसमें चला जाए। इसके बाद चीनी डालना है। लाइक मैंने ज़्यादा चीनी नहीं डाली है बिकॉज हमारी फैमिली ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करती है, बट आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से चीनी डालिए, लाइक जितना आपको अच्छा लगता हो उतना डालिए। फिर इसको अच्छी तरीके से मिलाइए ताकि जितनी भी हमने चीनी डाली है वो डिज़ोल्व हो जाए और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। फलूदा हैव बीन माय ऑल टाइम फेवरेट डिश। हम जब भी बाहर जाते हैं तो मेरी सबसे पहली चॉइस होती है फलूदा, एंड इन दैट केसर एंड पिस्ता फ्लेवर इज़ माय फेवरेट। सो आई थॉट टू शेयर द रेसिपी विथ यू ऑल। सो अब हमारे सब्जा के जो बियाँ हैं हम ये देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से फूल चुके हैं, जस्ट लाइक अ टैडपोल, बट यस दे टेस्ट वेरी गुड ईच टाइम इट कम्स इन आवर माउथ। और हमारे पास सेब भी तैयार है। तो अब समय बर्बाद किए बिना चलिए बनाते हैं हम अपना फलूदा। हमारे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वो हमने अरेंज कर ली है। तो हम एक ग्लास लेंगे, हमें फिर उसमें डालना है हमारे सब्जा बियाँ, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी सेव भी डालेंगे इसमें। एंड यू नो व्हाट, एज आई ऑलरेडी सेड कि सब्जा और सेव फलूदे को फलूदा बनाते हैं, तो वील ऐड दिस इन अ क्वाइट गुड अमाउंट। और ऑब्वियसली एक अच्छा ठंडे टेस्ट के लिए हम इसमें बर्फ डालेंगे। बाय द एंड सारी लेयर्स जब हम डाल चुके होंगे, फिर हम उसमें हम जो मिल्क प्रिपेयर किया था, द मसाला मिल्क ऑफ केसर एंड पिस्ता, हम इसमें वो डाल देंगे। एंड ट्रस्ट मी इट टेस्टेड सो गुड सो गुड सो गुड, आई लिटरली लव द टेस्ट। और ये एक रेसिपी है जो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में भी सबको ये रेसिपी बहुत पसंद है। एंड फलूदे की बात करो और आइसक्रीम का नाम ना ले तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी फलूदे के साथ। सो हमने फलूदे में डाली है हमारी केसर आइसक्रीम, क्योंकि हमने जो मिल्क है इसमें भी केसर और पिस्ता डाला है, सो इट विल ऐड ऑन। एंड देन उसके बाद हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स फॉर गार्निशिंग पर्पस, एंड नॉट ओनली दिस, हम इसमें टूटी फूटी थोड़ी सी डालेंगे, थोड़ी सी चेरी, ताकि वो थोड़ा सा कलरफुल लगे, थोड़ा ब्यूटीफुल लगे, एंड ऑब्वियसली पिस्ता, दैट बी द हार्ट ऑफ स्पेशली पिस्ता केसर फलूदास। एंड Yes, we are done. Trust me, it tasted really very great. You should try it too. बहुत 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 अच्छा इसका टेस्ट था. And that's it for today. And next video आपको मिल जाएगी मंडे को.
Enjoy!